मैं आज आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं तकरीबन 20 सालों से कार चला रहा हूँ और मुझे अक्सर रात में ही सफ़र करने का मौका मिला। मुझे रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कई बार इस बारे में मना भी किया, लेकिन कभी मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ तो मैंने इसे सीरियसली लिया भी नहीं। मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं अपनी वाइफ बेटी के साथ मेरठ से जयपुर आ रहा था। 4 मार्च शिवरात्रि वाले दिन हम लोग दिल्ली पलवल हाईवे रोड पे मेरी इको स्पोर्ट पे तकरीबन 110-120 की स्पीड पे थे। सामने से लाइटें भी आ रही थी तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक सामने बैल दिखाई दिया जो सड़क पे मरा हुआ पड़ा था। उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी का कोना उस बैल से टकरा गया। स्पीड तेज थी तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, 3 बार घूम गई, 3 पलटी खाई और डिवाइडर के परली तरफ उल्टी गिरी। मैंने और वाइफ ने बेल्ट लगा रखी थी, हमें कुछ नहीं हुआ। बेटी जब गाड़ी पलटी तो खिड़की में से बाहर सड़क पे छिटक गई और उसकी पीठ पे कुछ खरोंचे आई। वो अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों, हमने उस दिन बेल्ट लगा रखी थी, शायद बेटी ने भी बेल्ट लगाई होती पीछे तो उसे भी कुछ नहीं होता। मैं आपको अपना एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आपको इस दुर्घटना का अंदाज़ा ठीक तरह से लग पाएगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, जो हादसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात का सफ़र अवॉइड करें। मजबूरी में अगर करना भी पड़े तो अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, सीट बेल्ट आगे वाले और पीछे वाले दोनों ज़रूर लगाएं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, सबको सीट बेल्ट की जो वैल्यू है वो ज़रूर बताएं। भगवान आपकी रक्षा करे। जय हिंद।